वेलकम टू सबूरी किचन। आज सबूरी किचन की रेसिपी है बहुत ही डिलीशियस मैंगो पनीर पुडिंग। गर्मी के मौसम में आम सेहत का खजाना है। दूध के साथ लेने पर इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और पनीर के साथ लेने से तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो चलिए हम बनाएंगे पनीर के साथ मैंगो पुडिंग। बनाने के लिए हमें चाहिए ताजे आम 3, सभी आम को छील कर काट लिया है, शक्कर 1/2 कप, दूध 1 कप, कॉर्नफ्लोर 1/4 कप, दूध 1/4 कप, पनीर 3/4 कप। एक मिक्सी जार में डालेंगे कटे हुए आम के टुकड़े, चीनी और दूध। 2-3 मिनट तक मिक्सी को चलाएंगे ताकि चीनी घुलकर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। सारी चीज़ें मिल गई हैं और स्मूथ प्यूरी बनकर तैयार है। मिक्सचर को हीटिंग पैन में ट्रांसफ़र करेंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे। तब तक कॉर्नफ्लोर को दूध में डालकर मिक्स करेंगे। दूध ठंडा ही लेंगे, नहीं तो कॉर्नफ्लोर के बॉल्स बन जाते हैं। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक स्लरी की तरह तैयार कर लेंगे। स्लरी को मैंगो प्यूरी में धीरे धीरे मिलाते जाएंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे कि लम्स ना पड़े। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरह से धीमी आंच पर चलाते हुए करीब 5 मिनट तक पकाएंगे। अब मिक्सचर थिक होने लगा है, बबल्स भी आने लगे हैं। इस स्टेज में हम फ्लेम बंद कर देंगे। पुडिंग के लिए मिक्सचर रेडी है। अब हम इसके ठंडे होने का वेट करेंगे। पनीर को मिक्सी जार में डालेंगे और बारीक पीस लेंगे ताकि पनीर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। पुडिंग मिक्सचर ठंडा हो गया है, इसको भी पनीर के साथ मिलाएंगे और 2-3 मिनट तक चला लेंगे ताकि स्मूथ मैंगो पनीर पुडिंग मिक्सचर तैयार हो जाए। अब पुडिंग मिक्सचर को एक छोटे बोल में फिल करेंगे। इसी तरह से मैंने छोटे बोल और छोटा ग्लास लिया है, सभी में अच्छी तरह से पुडिंग मिक्सचर को फिल करेंगे। सभी को स्पून से सेट करेंगे ताकि ऊपर से स्मूथ हो जाए। पम्पकिन सीड को बीच में रखेंगे, बहुत सुंदर दिखेगा, हेल्दी भी है। आप चाहें तो चेरी, टूटी फ्रूटी या कोई और भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। अब पुडिंग को 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो किसी भी शेप में पुडिंग तैयार कर सकते हैं। पुडिंग को पिस्ते के छोटे पीसेस से गार्निश किया है, इससे कंट्रास्ट कलर आता है और बहुत अच्छा दिखता है। हेल्दी और डिलीशियस मैंगो पनीर पुडिंग सेट हो गया है। बहुत पॉपुलर डिश है, आप भी इसे ज़रूर पसंद करेंगे। चलिए अब हम इसे काट कर देखते हैं। बहुत ही अमेजिंग है, आप इसको बनाएंगे तभी इसको टेस्ट कर सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।